हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे इस मोटर के माध्यम से एक टेबल फैन बनाएंगे, ठीक है, जो सोलर पावर से चलेगा। ठीक है, 20 वाट सोलर पैनल से चलेगा। तो आप ये बात देख सकते हैं, मोटर जो है 12 वोल्ट डीसी मोटर है। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था। ठीक है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक कूलर मोटर है, ठीक है, कूलर में भी काम आ सकता है। ठीक है, डीसी मोटर है। ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैंने जो टेबल फैन बनाऊंगा वो मैंने सोलर पावर से चलाऊंगा। इस मोटर का जो फैन हम बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमने यूज़ किया है एक पुराना टेबल फैन। ठीक है, आप ये बात देख सकते हैं, इसी तरह की टेबल फैन आप देख सकते हैं। ये ख़राब हो गया था तो मैंने इसको खोल लिया है यहाँ से। तो कुछ इसी तरह की फ्रेम है इसके आगे। ठीक है, और ये है सामने वाला जो पार्ट। ठीक है, और इस मोटर के साथ हमने इस ब्लेड को लगाएंगे, जो इसी फैन का ब्लेड है। ठीक है, इसको कुछ इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर, इसके बाद यहाँ से टाइट कर देंगे। ठीक है, जिससे ब्लेड नहीं खुलेगा। तो चलिए इसको असेंबलिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक मोटर है, इसके फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, कुछ इसी तरह से लगा देना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इस नट और स्क्रू से। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसी से लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ इसी तरह से लगा देता हूँ। ये जो नट है, इसी फैन का नट है। ठीक है, जो पहला वाला मोटर लगा था उसी का नट है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। आप ये इस फैन को 12 वोल्ट डीसी पावर से भी चला सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखा दूँगा। तो मैंने इसको टाइट कर लेता हूँ थोड़ी सी। मैं यहाँ पर अभी दो ही नट लगा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं और दो नट लगा दूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैं जिस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप घर पर ही बहुत ही आसानी से इस फैन को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ब्लेड को लगा लेते हैं। और आपको इसको ध्यान से लगाना होगा, नहीं तो ये घूमने का टाइम बाहर आ जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अंदर चल गया है, अब इसको टाइट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका जो सामने वाला नेट है उसको लगा देता हूँ, वो सेफ्टी होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, आप घर पर पड़े हुए किसी भी पुराना टेबल फैन को इसी तरह से डीसी फैन में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करना। ठीक है, इसको टाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो ब्लेड बाहर आ सकती है। ठीक है, और आपको हाथ पर लग सकते हैं कुछ इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए हमारा फैन जो है पूरा फिट हो गया है। ये रेडीमेड मोटर था, ये रेडीमेड मोटर था इसलिए जल्दी हो गया है। ठीक है, तो आपको मैं बाद में इसी मोटर से भी एक फ़ैन बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक डीसी मोटर है। ठीक है, इससे भी फ़ैन बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ इसी तरह से। अगर लगाने के बाद फ़ैन उल्टा घूमे तो ये कनेक्शन हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो फ़ैन सीधा घूमेगा। तो मैं जल्दी से इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आप ये जो देख सकते हैं, मैंने इसको लगा लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसको सोलर पैनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो धूप नहीं है, थोड़ा सा है, तो चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं सोलर पैनल को ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 वाट का सोलर पैनल। ठीक है, और यह फैन हमारा, और
मैं यहाँ पर एक पोर्ट लगा लिया हूँ, ठीक है, इससे हम कनेक्ट करेंगे सोलर पैनल से। इस सोलर पैनल से आया है इस पोर्ट, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दूँगा। मैंने कोई स्विच यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो आपके पास देख सकते हैं फैन जो है घूमना चालू हो गया है, यहाँ पर सूरज की रोशनी अभी कम है इसलिए थोड़ी परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैन, तब देख सकते हैं फैन यहाँ पर घूमना चालू हो गया है, तो थोड़ा स्पीड कम है अभी, लेकिन कोई बात नहीं है, सूरज की रोशनी अभी नहीं है क्योंकि अभी 3:30 हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ़ैन बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, हवा भी हो रहा है। अगर आप आपका कनेक्शन उल्टा होता है तो फ़ैन उल्टा घूमेगा, ठीक है। तब आप यहाँ से कनेक्शन चेंज कर देना, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो आप ये फैन घर पर बना सकते हैं और इसको 12 वोल्ट DC अडैप्टर से भी चला सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए आपको अब आप आपको दिखाता हूँ कि DC पावर से कैसे चलाता है, 12 वोल्ट DC पावर से, ठीक है, जो करंट से चलता है, ठीक है। तो आप देख लिया है सोलर पैनल से, ठीक है, तो आपको और एक बार दिखा देता हूँ सोलर पैनल से चल रहा है ये फैन पूरा, ठीक है। तो चलिए आप 12 वोल्ट DC पावर से चला कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने अडेप्टर ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो 12 वोल्ट का अडेप्टर है। तो चलिए इसको बोर्ड पर लगा देता हूँ और इस कनेक्टर को यहाँ पर से खोल देता हूँ, सोलर पैनल को अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ में कनेक्शन कर लेता हूँ। तो पहले हम फैन को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और डायरेक्ट इसको चलाता हूँ यहाँ पर लगाकर। तभी ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज कर देना। तब देख सकते हैं फैन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो रहा है यहाँ पर सोलर पैनल से भी ज़्यादा, क्योंकि सोलर पैनल पर तो अभी धूप नहीं था इसलिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एक फ़ैन आप बना सकते हैं। आप किसी के एक मोटर चाहिए और पुराना टेबल फैन चाहिए, तो मैं और भी कुछ टेस्ट करूँगा इसके ऊपर, उसका वीडियो भी चैनल पर आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसी तरह की मोटर चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप एक DC फैन बना सकते हैं घर पर भी, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके, और कुछ भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नए प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।